हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो गिरावट है, यानी कि ये जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उनमें हम कौन से स्टॉक्स में निवेश करें सो डैट हमें इस गिरावट में भी एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाए और हमें एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाए। मैं आपको इस वीडियो में 6 से 7 शेयर बताने वाला हूं जो कि मंडे से ही आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकते हैं। पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अभी तक क्या रिटर्न्स दिए हैं, कैसी प्रोफाइल रही है और आने वाले टाइम में आखिर क्यों ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स और अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मंडे से मैं आपको वहाँ पर अपडेट शेयर करूँगा सो डैट आपको जो भी मार्केट के आज में अपडेट्स आएंगी उसका बेनिफिट मिल जाए, आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी उसके अकॉर्डिंग वहाँ से चेंज भी कर सको। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई हुई है, वहां से जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक निकल के आता है KPIT टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी बात की हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर चीजें क्या निकल के आ रही हैं। इवन अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को इस शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मामूली सी गिरावट थी, करीबन 0.5% के आसपास। शेयर अगर आप देखोगे 661 या 660 के बीच में आपको ट्रेड करते हुए नज़र आता है, यानी कि 660 के आसपास आपको नज़र आता है। तो वैल्यूएशन कहीं से भी एक्सपेंसिव नज़र नहीं आता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शेयर आपको IT सेक्टर से ही बिलोंग करते हुए नज़र आता है और ये एक मिड कैप शेयर है, यानी कि ना स्मॉल कैप ना लार्ज कैप, आपको मिड कैप की कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल चीज़ें सही नज़र आती हैं। अब आप यहाँ पे देख पाओगे तो रिटर्न प्रोफाइल इसके इतने ज़्यादा शानदार हैं कि अभी तक जो आईटी सेक्टर की बैंड बजी पड़ी है, यहाँ पे उल्टा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो 79% के शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बनाकर दिए हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो 300 रुपये का लो बनाया था और 800 रुपये तक के लेवल को इसने टच किया था। अभी 660 के आसपास है और ऑलरेडी 800 रुपये का पोटेंशियल तो आपको यहाँ पे दिख ही गया है। और अगर नीचे जाना भी होता तो जिस अकॉर्डिंग अभी जैसे इन्फोसिस 37% आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, विप्रो, इनमें इतनी बड़ी बड़ी गिरावट है तो इसमें भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाओगे तो 535 यानी 535% के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप देखो तो 34 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी और अभी तक का जो हाई है वो 800 रुपये का है। अप्रैल 24, 2019 की बात करें हम यहाँ पे तो 114 रुपये के आसपास था। 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही आपको ये जो शेयर है 800 रुपये तक के लेवल दिखा के गया है। थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें भी आया है, लेकिन उतना मेजर करेक्शन नहीं है, तो अभी 800 से 660 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी थोड़ा सा और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो डैट और ईजी रहेगा। जनवरी 2022 से लेके अभी तक इसमें केवल और केवल 11% का करेक्शन है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो YTD बात करें, विप्रो में 37-38%, इन्फोसिस में 25-26%, टेक महिंद्रा में तो 42-43%, तो वहीं KPIT आपको केवल और केवल 11% के जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो दिखा रहा है, तो इसलिए इसमें आपको मजबूती भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो सेक्टर के PE से इसका जो PE है वो काफ़ी हद तक कम है और 37% यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन निकल के आ रही है एनालिस्ट की कि आप यहाँ पे इसमें बाइंग कर सकते हो। जल्दी से फाइनेंशियल ट्रेंड भी आपको दिखा देता हूँ सो डैट आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। कंपनी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा खासा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर में जो भी लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि कौन से स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, तो डेफिनेटली फर्स्ट कॉल तो KPIT ही निकल के आती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपने दूसरे स्टॉक के बारे में तो वो निकल के आता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना ही होगा, जब इसका IPO आया था तब से अब तक अच्छे खासे रिटर्न्स इसने दिए हैं। ये आपको 1000 रुपये के आसपास मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म के बारे में तो 172-173% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रिटर्न्स प्रोफाइल में आते हैं। साथ के साथ अगर आप देखो जुलाई 2021 से सितंबर 2022 तक इसमें भी 32% का करेक्शन आ चुका है
उसके बाद आपको ये जो रिटर्न प्रोफाइल है वो देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें करेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइम पे जो मजबूती है वो इस स्टॉक में दिखाई देती है, क्योंकि इस करेक्शन में उतना बड़ा करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। चाहे आप इसको ब्लू चिप स्टॉक से भी कंपेयर करोगे तो भी आपको पता यही लगेगा। साथ के साथ आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो फोरकास्ट एंड रेटिंग है उसमें 100% रिकमेंडेशन निकल के आ रही है कि आपको इसमें अपनी पोजीशन बाइंग के लिए बना लेनी चाहिए। वहीं अगर हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि पिछले 4 सालों में कंपनी की ग्रोथ जो है वो ट्रिमेंडस रही है। चाहे आप रेवेन्यू के बारे में बात करो या फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करो, जो ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ी दिखाई देती है। यानी कि 2019 में तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, लेकिन 2022 में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपने अगले स्टॉक के बारे में, तो वो निकल के आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी कि FMCG आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। कंपनी का नाम निकल के आता है एवेन्यू सुपरमार्ट। डीमार्ट का नाम आपने सुना ही होगा, तो ये वही कंपनी आपको नज़र आती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। करीबन 4367 के आसपास आपको ये मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आता है। इसके लॉन्ग टर्म की प्रोफाइल अगर मैं आपको बताऊं, 324% के इंप्रेसिव रिटर्न्स नज़र आते हैं। यानी कि रिटर्न्स में जितने भी मैं स्टॉक बता रहा हूं, किसी में भी कोई भी कमी नज़र नहीं आती। आप यहां पे देख पाओगे 2017 में ये 1000 के आसपास ट्रेड करता था, आज 2022 में आपको ये 4500 के आसपास ट्रेड करता है। इसमें आपको कोई स्प्रेड वगैरह देखने को नहीं मिला, ये भी एक ठीक ठाक बात निकल के आती है। तो फॉर अ डाइवर्सिफिकेशन, फॉर अ सेफर साइड, आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको रिटर्न्स दिखाई दिए हैं। फिर बैंकिंग के स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक निकल के आता है केवल और केवल ICICI बैंक। HDFC बैंक अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो दूसरी बैंक्स देखने को मिल रही है, एक्सिस या फिर आप देखो तो और भी जो बैंक्स हैं उसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ICICI बैंक की रिकमेंडेशन हर कोई आपको देते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर। 882 के आसपास मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा, लेकिन आप यहाँ पे पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखोगे 215% के आसपास के रिटर्न्स हैं, और ये अपने हायर साइड के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो चांसेस नज़र आते हैं वो करीबन 1100-1200 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बैंकिंग में आप इसको थोड़ा बहुत लेके चल सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें केमिकल सेक्टर के बारे में, तो आपको एक अच्छा सा स्टॉक बता देता हूँ, सुमीटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड 510 के आसपास मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आता है। और अगर आप देखो तो इस पे एक अच्छी खासी रिकमेंडेशन निकल के आ रही है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। तो वहीं आपको एक और इसी सेक्टर से बिलोंग करती हुई जो स्टॉक है, जिसका नाम आपने सुना होगा, दीपक नाइट्राइड। दीपक नाइट्राइड की अगर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आती हैं। स्टार्टिंग में स्मॉल कैप था, मिड कैप की कैटेगरी में 1130 के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो पिछले 5 साल में देखने को मिले, यानी कि बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैंने कुछ स्टॉक्स आपको बता दिए जो कि इस गिरावट में भी आपको अच्छे खासे मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। इनको कंसीडर कर सकते हो अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।